संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से मां सीता की ममता। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम केवल प्रेम को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। भक्ति प्रियो माधवा, भक्त का क्या अर्थ है? आपने एक शब्द सुना होगा विभक्त। इन्हें दो भागों में विभक्त कर दो, अलग अलग हो जाना विभक्त होना है, और भगवान से मिलकर एक हो जाना भक्त होना है। भगवान से ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि दो न बचें, यही प्रेम का तत्व है। भगवान के श्री मुख की वाणी है, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा,
जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। यही प्रेम का रस है कि दो मन नहीं रहे, एक हो गया। कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देही सुंदर, सहज राम वैदेही सुंदर, सहज राम वैदेही। एक प्राण दो देही, ऐसा श्री सीताराम जी का स्वरूप है प्रेम के कारण। अब इस प्रेम की झांकी देखें, विवाह की ही घटना है। निज पानी मनी महू देखियत मूरति स्वरूप निधान की, निज पानी मनी महू देखियत मूरति स्वरूप निधान की, निज पान सीता जी विवाह के समय अपने हाथ की ओर देख रही हैं, और हाथ में जो कंगन है उसकी ओर देख रही हैं, और कंगन में जो मणि है उसकी ओर देख रही हैं, और भगवान पार्श्व भाग में विराजमान है उनकी ओर नहीं देख रही। यह प्रेम की बड़ी विचित्र दशा है, जिनसे प्रेम है उनकी ओर नहीं देखा जा रहा है। अब कोई साधारण ढंग से व्याख्या करेगा तो वह तो यही कहेगा कि अगर भगवान से प्रेम होता तो उन्हीं की ओर देखती, उनकी ओर तो देख नहीं रही, इन्हें तो अपने ध्यान अपने हाथ की तरफ है, और हाथ से भी ज्यादा उस हाथ में जो कंगन है उसकी तरफ है, और कंगन में भी जो मणि है उसकी तरफ है। हम लोग भक्तों को भी इसी तरह देखते हुए अनुमान लगा लेते हैं कि यह भक्त नहीं है। आज प्रातः काल के सत्संग में पूज्य स्वामी जी महाराज भक्तों के लक्षण बता रहे थे। सचमुच भक्तों को लेकर हम पता नहीं कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं, जिसे भोजन के स्वाद का पता ही न लगे कि अच्छा है कि बुरा, बस वो भक्त है। जिसे संसार दिखाई न दे बस वो भक्त है। यह कहीं नहीं कहा। भक्त कौन, महत्व इसका नहीं है कि भक्त कहां देख रहा है, महत्व इसका है कि भक्त किसे देख रहा है। श्री सीता जी राम जी की ओर नहीं देख रही, सीता जी तो अपने हाथ की ओर देख रही हैं, और हाथ में जो कंगन है उसकी ओर देख रही हैं, और कंगन में जो मणि है उसकी ओर देख रही हैं। तो भक्त लगता तो है संसार में जुड़ा हुआ, लेकिन संसार के बहाने वह किससे जुड़ा हुआ है यह देखना चाहिए। तो श्री जानकी जी क्या करती हैं, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की मणि की परिछाई।
वे चाहे अपने हाथ की ओर देखें, कंगन की ओर देखें, मणि की ओर देखें, पर देख तो भगवान को ही रही हैं। बस भक्त का यही स्वभाव है कि वो जहां देखता है, जिधर देखता है, भक्त जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, तेरा हुस्न पेशे नजर देखता हूं, तुम ही हो। वह कहां देखता है इसका महत्व नहीं है, किसे देखता है महत्व तो इसका है। भक्तिमती माता मीरा के सामने तो विष का प्याला आया, जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँ सीरे घुंघरू बांध मीरा नाचे रे पग घुंघरू बांध मीरा नाचे नाचे रे पग घुंघरू बांध मीरा ना मीरा ना मीरा। जहर का प्याला और फिर नाच, मीरा नाच रही है, पीवत मीरा हंसी रे, क्यों? देखो विष देखकर हंसी नहीं आ सकती, विष पीने का अवसर आए तो मौत को ही हंसी आती है, पीने वाले को हंसी नहीं आती। प्रसन्नता का नृत्य नहीं हो सकता, पर मीरा माता तो विष का प्याला देखकर नाच रही है और विष पान करते समय हंस रही है, क्यों? कारण केवल एक है, विष दिखाई देता तो ऐसी घटना न घटती, उन्हें विष नहीं दिख रहा है, विष में कोई और दिख रहा है। कौन? कर्मे प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। विष के प्याले में माता मीरा दृष्टि डालती हैं तो नेत्रों की पुतली प्याले में नृत्य कर रही है और उस पुतली में गोपाल भगवान की मूर्ति नृत्य कर रही है, जिसके लिए विष भी विश्वंभर हो गया हो। वही पीवत मीरा हंसी रे, पांव में घुंघरू बंधे, जिसके पांव में बंधन हो और वो नाचे, बंधन भी जिसके लिए वंदन बन जाए, वह भक्त है, उसके सोच का ढंग बदल जाता है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, विष के प्याले में माता मीरा को भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। बाल्यकाल में एक भजन सुना था, आज उसकी पंक्तियां याद आ गई। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी। क्यों गोपाल नजर आए? क्योंकि भक्ति में बैठे। मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के मारने
मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के गले का हार बन के गोपाल नजर आए, फूलों का हार बन के गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्त की आंख है, वह जहां देखती है उसी को देखती है। एक भक्त ने तो प्रार्थना की, मेरे प्रभु मेरे नेत्रों का एक स्वभाव बन जाए, इलाही इन निगाहों में वो तासीर हो जाए कि नजर जिस शय पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, मैं जहां देखूं जहां दृष्टि पड़े तुम दिखाई पड़ो। यह भक्त की स्थिति है। अब जानकी माता देख रही है अपना हाथ, लेकिन उस हाथ के कंगन में भी रघुनाथ दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ में भी जिसे भगवान का हाथ दिखाई दे। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत, तो एक दुकानदार, आभूषणों की दुकान थी उसकी, उसके यहां पहुंच गए और अपना हाथ बढ़ाया, बोले ले भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहना दे। परमात्मा के हाथ में एक अंगूठी पहना दे परमात्मा के। तो दुकानदार बोला कि बाबा हद हो गई, संत हो तो विचारवान तो रहो, ये कह रहे हो कि भगवान का हाथ परमात्मा का हाथ, तुम कोई परमात्मा हो महात्मा हो? हां, उनका अनुभव आपको हुआ है तो ये खुद ही परमात्मा बने घूम रहे। महात्मा समझ गए कि ये समझा नहीं, संतों के तो समझाने का ढंग होता है। महात्मा बोले कि अरे गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बताओ ये दुनिया बनाई किसने है, किसकी है? तो तुरंत बोला भगवान ने बनाई, भगवान की है। महात्मा बोले तो दुनिया और अपना देश? बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का अपना प्रदेश? का वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का तो अपना शहर? बोले वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। का इसमें रहने वाले? बोले सब भगवान ने बनाए, भगवान के हैं। महात्मा बोले दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। बोला नहीं नहीं महाराज, हमको भी भगवान ने बनाया और आपको भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले तो तुम्हें ही बनाया होगा, हमको छोड़ दिया होगा। वो बोला कि महात्मा होकर कैसी बात करते हो महाराज, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान का है। तो महात्मा अपना हाथ बढ़ा के बोले तो ये हाथ तेरे बाप का है, मैं यही तो कह रहा था कि भगवान का है। चरणों में गिर गया, बोले महाराज समझ में आ गई बात। अरे अपने हाथ में भी, हाथ अपना है पर कमाल तो उसके हाथ का है। श्री सीता जी अपने हाथ की ओर देख रही हैं और कंगन की मणि में देख रही हैं, क्यों? क्योंकि उसमें रघुनाथ जी दिख रहे हैं। अपना हाथ भी इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें रघुनाथ जी हैं। ये
भगवत दृष्टि। राम जू को सिया जू निहारे निज कर कंकन मनी में। राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मनी में। राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मनी में। ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो, ऐसो नेह लग्यो रघुवर सो, जनक लली प्रभु विरह के डर सो, जनक लली प्रभु विरह के डर सो, भुज बल्ली नहीं तारे निज कर कंकन मनी में। राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मनी में। राम जी को सिया जय 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 धुन होत जनकपुर, जन राजेश मिलाए के सुर में सुर, जय सिया राम उचारे निज कर कंकन मनी में। राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मनी में। श्री राम जी ने देखा कि श्री सीता जी हाथ नहीं हिला रही, हाथ हिल जाएगा तो कंगन हिल जाएगा, और कंगन हिलेगा तो मणि हिल जाएगा, और मणि हिलेगा तो उस मणि में जो राम जी के रूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है वह हिल जाएगा। तो जो राम जी का दर्शन यहां हो रहा फिर नहीं होगा। याते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। अब देखो प्रेम की निराली रीति है क्या, श्री राम जी तो पास में ही बैठे और राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंकन की मणि में है। बिंब का प्रतिबिंब, राम जी के रूप का प्रतिबिंब कंकन की मणि में है। श्री राम जी को लगा कि प्रेम का अनोखा रूप देखो। प्रेमी तो कई हुए पर श्री जानकी जी की तरह कोई नहीं। कहा क्यों, कहा बिंब की कौन कहे मेरी कौन कहे, यह तो मेरे प्रतिबिंब तक का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम की यही दशा है कि जिससे प्रेम होता है उसकी छाया तक का विरह सहन नहीं होता, उसके प्रतिबिंब का भी विरह सहन नहीं होता। क्यों, क्योंकि भक्ति की दृष्टि में बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है, उसके लिए तो सब भगवान ही है। लेकिन अब भगवान क्या करते हैं? सो मन सदा रहत तुहे पाही। भगवान जान गए ते यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भी उसी भाव की लीला करते। कब की राम जी ने यह लीला, जब राम जी ने श्री जानकी जी से कहा तुम पावक मां करो निवासा, तुम पावक मां करो पावक मां करो, डबल जी करो निशा चरना सा, तुम पावक मां
माता जानकी पावक में प्रवेश कर गई, स्वरूप तो पावक में समा गया, फिर छूट क्या गया। निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता, निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता, निज प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखी ताके। श्री सीता जी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया, इसीलिए मानस में वर्णन है कि श्री सीता जी का हरण नहीं, पुनि माया सीता कर हरना, माया सीता प्रतिबिंब। अच्छा, अब यह बात और कोई नहीं जानता, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, तो राम जी तो जानते, और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भी। जब लक्ष्मण जी राम जी के पास गए तो श्री राम जी ने यही कहा कि श्री जानकी जी को अकेली छोड़कर आ गए, निश्चर निकर फिर आई बन माही, निशाचरों के समूह वन में घूमते हैं, लक्ष्मण सीता मम मन आश्रम नाही, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि श्री सीता जी आश्रम में नहीं है। ये किसके मन में आ रहा है? राम जी के मन में। इन्हें कुछ पता नहीं है जैसे। अच्छा, इन्हें क्यों आ रहा है मन में? क्योंकि जानत प्रिया एक मन मोरा। तो एक बात तो यह है कि मन एक है, और दूसरी बात भगवान ने संकेत भी कर दिया कि सीता मम मन आश्रम नाही, आश्रम में नहीं है। कहां है? बोले सीता जी तो मेरे मन में है, आश्रम में नहीं। मम मन, मेरा मन जानता है। तो राम जी तो जानते हैं कि सीता जी का नहीं, सीता जी के प्रतिबिंब का हरण हुआ है। फिर राम जी रोए कितना, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, खानी जानकी सीता, सीता बहुविध खोजत ही नहीं बिलपत स्वामी। राम जी विलाप कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ? लक्ष्मण जी समझा रहे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। तो भगवान पूछ रहे, पूछत चले लता तरु पांती। हिरणों का एक समूह दिखाई दिया, हिरणों का समूह देखा तो श्री राम जी बोले, लक्ष्मण मारीच भी इसी रूप में आया था, मेरे साथ छल हुआ, और हिरणों का इतना समूह सामने, और ये हिरण जानते हो निश्चिंत निडर होके मेरे सामने क्यों खड़े हैं? क्यों? बोले, कहा कि इनकी हिरणियों ने कह दिया है। क्या? जब हिरण राम जी को देखकर भागने लगे, मृग भागने लगे, तो उनकी पत्नियों ने, हिरणियों ने, मृगियों ने क्या कहा? अरे अरे, काहे को भागते हो? हम इन्हें जानते हैं। तुम आनंद
हम ही देख मृग निकर पराही, तो मृगी काई तुम कहां भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम मत डरो ये तुम पर बाण नहीं चलाएंगे। क्यों? कंचन मृग खोजन ये आए, ये स्वर्ण हिरण खोज रहे हैं। मेरा उपहास कर रही है हिरणिया। लक्ष्मण मार दो सभी को। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण उठाया, धनुष पर चढ़ाया। याही वेश मन में मारी, मृग छल्यो मोही, मिल्यो मग माही, परख प्राण बेचैन है। संहारो सुबंध मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोही डोलत सुखैन है। मार दो इन हिरणों को। और लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरण भी कहीं नहीं भाग रहे थे, वे राम जी की तरफ देख रहे थे। और मानो भाव यह था, किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। भाग क्यों नहीं रहे? हिरणों ने कहा कि भाग कर तो तब जाएं कहीं जब कोई दूसरा मारे, और जब भगवान की योजना है तो भागना कहां है। और आपको देखते देखते प्राण जाए, यह और अच्छा है, यह तो भाग्य की बात है। तो आंख खुली हुई देख रहे राम जी की तरफ। भगवान ने देखा हिरण भाग भी नहीं रहे, पलक भी नहीं गिरा रहे, अपलक दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं। बस फेरन सरासन की, हेरन हिरन की पे, चकित चितौनी पे, ससंके सुख देन है। राम जी बोले, लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, बाण मत चला देना, मार मत देना किसी हिरण को। क्यों? का व्याकुल विनीत यो लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याके तो किशोरी से नैन है। इस मृग को मत मारो, क्योंकि इसके नेत्र श्री जानकी जी की तरह हैं। देखो, जानकी जी मृग के बहाने भगवान को देखती हैं। पुष्पवाटिका में देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। मृग के बहाने किसको देखती हैं? श्री जानकी जी राम जी को। निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग के बहाने राम जी को देखती हैं, बिहग पक्षियों के बहाने राम जी को देखती हैं, वृक्ष के बहाने राम जी को देखती हैं। यह भक्ति का स्वभाव है कि वह प्रत्येक बहाने से भगवान को देखती है। और यह भगवान का स्वभाव है, भक्त अगर हमें मृग के बहाने देखता है तो हम भी मृग के बहाने भक्ति को ही देखेंगे। मारो मतिया के किशोरी से नैन है। मृग देखकर जानकी जी को राम जी की याद आती है, तो मृग देखकर राम जी को जानकी जी की याद आ जाती है। यह है तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अगर पक्षी को देखकर बिहग, तो राम जी भी हे खग, वे भी पक्षियों से पूछते हैं। और पक्षियों से ही पूछते हैं, गीधराज तक से पूछा, बिहग से ही पूछा। जब पूछत चले लता तरु पाती, लताओं से पूछा। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी ने भी लताओं से ही पूछा था। लता ओट तब सखने लखाए, तरु वृक्ष के बहाने राम जी को देखा। और आज राम जी ने भी इन्हीं के बहाने सीता जी को खोजना शुरू किया। हे खग पूछत चले लता तरु पाती, और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किसी ने राम जी से धीरे से कहा कि प्रभु, रोने का अभिनय तो समझ में आता, पर इतना ज्यादा रोना तो ठीक नहीं लगता, आप इतना रो रहे हैं। और आपको तो पता है कि श्री सीता जी का प्रतिबिंब है, आपकी योजना है, आपको जानकारी है,
फिर आप इतना रो रहे हैं? राम जी और रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? राम जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि श्री सीता जी का प्रतिबिंब का हरण ही रावण ने किया है, लेकिन फिर भी मैं रह नहीं सकता, रोज जा रहा हूं रोज जा रहा हूं। क्यों? कहा कि बात यह है, प्रेम की स्थिति ही ऐसी विलक्षण है। कैसे? कहा कि श्री सीता जी जनकपुर में, मुझे याद है, अपने हाथ के कंगन की मणि में मेरे रूप का प्रतिबिंब ही तो देख रही थी, और वे मेरे रूप का के प्रतिबिंब का विरह सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैं श्री सीता जी के प्रतिबिंब का विरह कैसे सहन कर लूं, इसलिए मैं रो रहा हूं।